मैं मोहम्मद तकी साहब को भी बीच लिया हूँ बहस में। ठीक है अंशु भाई, आरंभिक तौर पर इतना वक्ता भी ठीक है, मैं मोहम्मद तकी को भी बहस में ले आऊं। एक बात कह के, ना तो सरकारी कारखाना लगाने से बेरोजगारी दूर हो सकती है उत्तर प्रदेश की, हिंदुस्तान की, न सरकारी नौकरी से दूर हो सकती है। ठीक, आबादी और रोजगार के बीच में फसला इतना बड़ा है, अभी भी हमारे राजनीतिक दल वहां पहुंच ही नहीं रहे जहां से हर हाथ को काम मिल सकता है। वो काम मिलेगा हर हाथ को जब शासन में जो हो वो ऐसी व्यवस्था करे ईमानदारी से कि हर गांव में जो काम करना चाहे उसकी मदद के लिए शासन खड़ा हो, उसको वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाए, उसको सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, उसको और संसाधन उपलब्ध कराए जाए, पट्टा कहीं होना है तो पट्टा मिले, दुकान अलाट होनी है तो दुकान मिले, तब भारत की बेरोजगारी जाएगी। खाद कारखाना 10 और खोल लो, उससे बेरोजगारी नहीं जाएगी, और भर्ती 2-4 लाख और निकाल दो, उससे भी नहीं जाएगी। इस जड़ पर समझना होगा। मोहम्मद तकी, आपकी पार्टी तो मुझे लग रहा है वो अपना फंडा ही लेके आई है कि बाकी सब एक किनारे, फ्री का मामला इतना फैला दो कि बाकी पार्टियों के लिए चुनाव लड़ना ही मुश्किल हो जाए, चाहे पंजाब हो, गोवा हो, कहीं हो, उत्तर प्रदेश हो, जहां जाओ वहां सीधा धुआंधार कर दो, ये भी फ्री वो भी फ्री, आ जाओ जी। ऐसा लगता है कि जैसे किसी उसमें खड़े हैं बाजार में, नहीं, एक के साथ एक फ्री। अमिताभ जी, हम रोजगार गारंटी की बात कर रहे हैं जी, और भारत की राजनीति में हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी पहले नेता थे जिन्होंने गारंटी की बात की है, रोजगार गारंटी की बात करी है, बिजली फ्री देने की गारंटी की बात करी, गारंटी वर्ड पहली बार भारत की राजनीति में अरविंद केजरीवाल जी लेके आए, उन्होंने जो वादे किए दिल्ली में, गारंटी कहां मिली है, किसको मिली है रोजगार गारंटी, 10,000 रोजगार उत्तर प्रदेश में हर साल देने की गारंटी, हर साल देने की घोषणा की गई है, दिल्ली मिल गया बेरोजगार लोग, दिल्ली में रोजगार मिला, लोगों को रोजगार मेला लगाया है, युवाओं को रोजगार दिया गया है, सब राज्यों ने लगाए ऐसे मेले, ऐसे मेले सबने लगाए, फोटो खिंचाई ट्विटर पे डाली, सबने लगाए, ताकि सबने लगाए, कोई बचा नहीं, दिल्ली की ऐसे मेले तो भारत में हमेशा लगते रहे, लेकिन उनमें होता जाता कुछ नहीं। दिल्ली की पर कैपिटा इनकम आज भी कोरोना के दौरान भी पूरे देश में सबसे ज्यादा है, वहाँ रेवेन्यू कलेक्शन सबसे ज्यादा है, वहाँ पे भुखमरी और बेरोजगारी सबसे कम है, दिल्ली से लोग पलायन करके अन्य राज्यों में नौकरी के लिए जाते हैं, यूपी से और बिहार से लोग पलायन करके नौकरी के लिए जाते हैं। आपकी जानकारी बढ़ा दूं, मोहम्मद तकी, आपकी जानकारी बढ़ा दूं, जब अरविंद केजरीवाल जी जन्मे भी नहीं होंगे, राजनीति तो बड़ी चीज है, तब भी दिल्ली की पर कैपिटा इनकम भारत में बहुत आगे थी, ठीक, और उस बात ऐसे सुन लो, जब भारत में लोकतंत्र भी नहीं आया था, अरे सुनो तो भाई, अभी भाषण दे रहे थे, सुनने को तैयार नहीं हो, रुकिए, जब भारत में लोकतंत्र भी नहीं आया था, तब दिल्ली मुगलों की राजधानी थी, तब भी सरसब्ज थी, उसका क्रेडिट भी ले लोगे क्या यार, गजब करते हो, वो क्रेडिट भी खुद ही ले लोगे, फिर कहोगे पांडवों के समय की दिल्ली का क्रेडिट भी हमको दे दो, मैंने कहा ना, जब आम आदमी पार्टी जन्मी नहीं थी, ये विचार भी अरविंद के और गोपाल राय के और संजय सिंह के दिमाग में आया था, मनीष के, तब भी दिल्ली की पर कैपिटा इनकम बहुत थी, दिल्ली का रेवेन्यू बहुत था, मुंबई का रेवेन्यू कोई पार्टी अपने सिर ले लेगी कि हमारे कारण है, दिल्ली और मुंबई का रेवेन्यू तो ज्यादा आएगा ही, आज अब बात करते हैं यार, इसीलिए दुख होता है कि आप लोग जनता के साथ क्या न्याय करोगे जब आप लोग मुझे गोली देने की कोशिश करते हो, अरे कर तो जनता का क्या करेंगे आप लोग, ना 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 ये सब नहीं चलेगा, ना ये नहीं चलेगा, ये मेरे साथ नहीं चल सकता, आप करते हैं दिल्ली मुंबई, आप लोगों की मतलब भारत में राजनीतिक दलों के जन्म से पहले से सबसे सर्वाधिक राजस्व देने वाले स्थान रहे, उनका क्रेडिट भी आप ही लोग ले लोगे, ये तो सारे राज्यों पर अप्लाई होता है जी, ये तो बंबई में गुजरात में अप्लाई होता है, गुजरात की बात करते नहीं, वो शांत आप बोलो, हाँ
अच्छा अमिताभ जी देखिए, मैं दो फैक्चुअल करेक्शन कर दूं कांग्रेस के प्रवक्ता का। सबसे पहले कि उन्होंने कहा कि खाद कारखाना अटल जी की सरकार में बंद हुआ, अटल जी सरकार 20 साल पहले थी, ये कारखाना 30 साल पहले बंद हुआ था, जिसमें मनमोहन सिंह जी उसमें वित्त मंत्री थे सरकार में, और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, और प्रदेश में सपा और बसपा की चलिए मिलीजुली आप सरकार। भाषण दे लीजिए फिर और मैं दूसरी बताऊंगा। बात, दूसरी बात उन्होंने कहा कि रेलवे बेचे दे रहे हैं, बाकी सारी चीजें फैक्ट्रियां बेचे दे रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जी जब मनमोहन सिंह का एक बयान है कि उसमें उन्होंने कहा था कि सरकार काम का काम से सरकार है 70 साल, सुन लीजिए आप, आपको पूछने वाले सुन लीजिए पूछने वाले, जनता तो आपसे पूछ रही है कि आपने धोखा दिया 15 लाख देने की बात कही थी, सवाल आपसे कांग्रेस का कोई बात काम नहीं है, उसके पास झूठ बोलने के अलावा चलन लगती है। जैसे अंशु जी कर देखिए, तीन सबसे बड़े बैंक थे, नीतीश कुमार ने बता दिया बड़का झूठा पार्टी। सबसे बड़े बैंक थे, एक तो ICICI बैंक था, एक HDFC बैंक था, और एक RBI बैंक था। इनको उस समय बेचा गया मनमोहन सिंह की सरकार में, और उन्होंने कहा कि भारत सरकार का काम लोन देना नहीं है, हमारा काम है गवर्नेंस करना। एक्सिस बैंक पहले UTI बैंक होता था, आपको पता है UTI बैंक सरकार का उपक्रम था, उसको बेच करके बाद एक्सिस बैंक बनाया गया। इन्होंने कहा कि हम डिसइन्वेस्टमेंट, इनके समय डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो सही होता था, और हम डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे तो गलत हो रहा है। मैं उसमें अभी आपको आंकड़े देना चाहता हूँ, 2009 और 2010 में मनमोहन सिंह जी ने 5 कंपनियों के शेयर बेचे थे, NHPCL, ऑयल इंडिया लिमिटेड, NTPC और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के। 2010-11 में मनमोहन सिंह ने 6 कंपनियों के शेयर बेच दिए थे, सतलुज जल विद्युत निगम के, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के, कोल इंडिया लिमिटेड के, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के, और मैग्नीज अयस्क इंडिया लिमिटेड के। ठीक है, वो तो सभी बेच रहे हैं, पिछले 30 साल से यही हो रहा है, बेचेबाजी हो रही है। लेकिन मूल प्रश्न ये है, मूल प्रश्न ये है कि सीधी सरल भाषा में पार्टियां ये कह के चुनाव में क्यों नहीं जाती है कि हर हाथ को काम की गारंटी होगी, जो जिस योग्य होगा उसको वो काम करवाएंगे हम। लेकिन ये झूठ बोल के पलायन करने में नहीं दूंगा, मतलब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब बेचे तो सब सही है और गवर्नेंस कर रहे हैं वो, और जब नरेंद्र मोदी जी देश के विकास में जो आगे ले जा रहे हैं तो वो गलत है, वो जो है जो अपने दोस्तों को दे रहे हैं, ये दो तरह की बातें नहीं हो सकती देश के अंदर। ठीक है मनोज जी, मनोज जी ठीक है, ठीक है आलोक जी, आपका मनोज जी, क्या ऐसी राजनीति बहुत कठिन है सच में, इसलिए पार्टियां उससे बच के शॉर्टकट ढूंढ रही हैं, बाईपास रोड पर अपनी गाड़ी दौड़ा रही हैं कि भाई ठीक है जब चुनाव नजदीक आ जाए तो दो चार बड़े बड़े ऐलान झोंक दो हैं और आनंद लो, और जनता तो चूंकि संघर्ष कर रही है, गरीब है, वो तो स्वाभाविक है। अभी कहीं कंबल बांटने का नाम बोल दो तो वहां लठ चल जाए, कहीं साड़ी बांटने कर दो तो गरीब देश है, प्रदेश है, तो आपकी घोषणाओं में तो वो आ ही जाएगा। मनोज जी, अमिताभ जी, मैं आपकी इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि अगर सरकारी नौकरियां ही देके बेरोजगारी खत्म की जा सकती है तो मेरे ख्याल से सरकार तत्काल कर लेती, क्योंकि वो सरकार के हाथ में होता, तत्कालिक होता, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने लगेंगे, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के सेगमेंट इस बात को तो बताना पड़ेगा ना सरकार को। जब समाजवादी पार्टी रोजगार की बात करती, नौकरियों की बात करती, तो उसके पीछे एक बड़ी कहानी है, हवा में कुछ नहीं है। जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनती तो मेट्रो का काम शुरू कराते हैं, हम एक्सप्रेसवे को बनवाते हैं और मेट्रो से बेरोजगारी रोजगार देने का काम करते हैं, हम 10-90 जैसी व्यवस्था लेके आते हैं, हम UP 100 जैसी व्यवस्था का डेवलपमेंट करते हैं, हम 108-102 एम्बुलेंस की व्यवस्था करते हैं, और UP 100 में इतनी गाड़ियां चलवाई जाती हैं अलग कि पुलिस की भर्ती हमें करनी पड़ती है और उस पर रोजगार लोगों को मिलता है। हम बिजली के कारखाने लगाते हैं, जनेश्वर मिश्र जैसा पार्क बनाते हैं जो एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, जहां हर तमाम सारे हजारों लोग प्रतिदिन काम करते हैं जिससे उनका जीवन यापन चलता है। हम सैमसंग की फैक्ट्री लेके आते हैं, हम मेदांता जैसा अस्पताल बनवाते हैं,
हम अमूल की फैक्ट्री लेके आते हैं, हम पराग को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और उसके उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, हम SCL लेके आते हैं, MIT सिटी डेवलप करते हैं, हम मेदांता जो अस्पताल हमने बनाया है वो सबसे बेहतरीन अस्पताल उत्तर प्रदेश का प्राइवेट अगर अस्पतालों की बात की जाएगी जिसमें हजारों लोग काम करते हैं और तमाम सारी चीजें। तो इन सारे विषयों पे क्या बहस हुई 5 साल? इस सरकार ने क्या पुरानी सरकार से तुलनात्मक बात करी क्या? हम तो यही इंतजार कर रहे थे, लेकिन बात किस पे हुई? मुख्यमंत्री ने बात किस पे कही? मनोज जी ने एक कानपुर आगरा से बनाया और उसको भी 2 साल हमने खत्म किया। योगी आदित्यनाथ सरकार ने कानपुर से 2 साल काम किया है और उस पर जो है 9,000 करोड़ खर्च किए हैं, ये मनोज जी को नहीं पता है। दूसरी बात मैं मनोज जी कहना चाहता हूँ, आपने एक एक्सप्रेस वे बनाया तो जो भाजपा सरकार ने 5 एक्सप्रेस वे काम शुरू किया, 2 का लोकार्पण कर दिया है, उत्तर की पूर्वांचल एक्सप्रेस वे दिया जलाने तो हमारे पास मनोज जी आपके समय से 12 मेडिकल थे, आज हम 30 मेडिकल कॉलेज लोकार्पित कर चुके हैं, 17 में काम चल रहा है। दूसरा बात मैं कहना चाहता हूँ, आपने एक मेट्रो पे काम किया था लखनऊ मेट्रो पे, उसमें केंद्र सरकार की आधी कमिटी थी और आपने आपने क्या किया है? आपने दिया और बीजेपी ने किस सेगमेंट में काम किया है उन सेगमेंट के नाम लीजिए आप। आप तो कैसे सुनिए तो आगरा में शुरू कर पाए, हमने शुरू किया दोनों मित्रों को रोकूंगा। एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है, बाकी चीजें तो चलो तर्क वितर्क में जा सकती है। अंशु अवस्थी, पॉलिटिकल सिस्टम पर बात कर रहा हूं, भाजपा कांग्रेस का मसला नहीं, क्योंकि उसमें बहस बड़ी सतही हो जाती है ना। आप कह दोगे हम तो सरकार में नहीं तो हमसे सवाल क्यों, तो पर नहीं, जितनी सरकारी नौकरियां के जितने पद अनुमन्य होते हैं उतने भरने में तो फिर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, नहीं उतने भी क्यों नहीं भरती हैं सरकारें, उन पर भी रार क्यों होती है, उनके लिए धरना प्रदर्शन लाठी आंदोलन क्यों होता है? जहां जिसकी सरकार है उसके खिलाफ आंदोलन चल रहा है, यूपी में बीजेपी के खिलाफ चल रहा है, पंजाब में चन्नी के खिलाफ चल रहा है, हर जगह यही हालत है। पुलिस के 2 लाख पद खाली हैं उस पर कुंडली मार के बैठे, मास्टर के खाली हैं उस पर बैठे, लेखपाल का खाली उस पर बैठे, फलाना खाली उस पर बैठे। अरे भाई इतना तो करो पहले, बाकी स्वर्ग जब आप उतारेंगे तब उतार देंगे धरती पे, इतना भी क्यों नहीं हो पाता? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।